अभी हम मौजूद है अनुमंडलीय जो है अस्पताल सोनपुर का, जो है ये वही अनुमंडलीय अस्पताल है जहाँ पे सोनपुर मेला में जो टावर जो झूला लगा था उस पर जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिनको चोट लगी हुई थी, उनके मौके पर जो है यहाँ पे पहले जो है लाया गया है, जहाँ पे उपचार हुआ और उपचार करने के बाद उनको क्या रेफर किया गया है या वो घर पर वापस जा चुके हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहली बात आपको बता देना चाहते हैं कि सोनपुर मेला जो विश्व का सुप्रसिद्ध मेला है, वहाँ पे जो है बीते रात लगभग 6 से 7 बजे के बीच में जो है जो टावर झूला था उसका जो है शॉर्ट सर्किट होने से या कुछ और कारण से जो है हो सकता है दुर्घटना हो गया था, जिसमें बैठे ट्रॉली में बैठे हुए लगभग कुछ लोग ऊपर से गिर गए और बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए कूद गए, जिसमें से लगभग 6 से 7 लोग, जैसा कि वहाँ के लोग कह रहे थे, 6 से 7 लोग जो है वो मतलब उनको चोट लगी थी, कुछ लोगों का सर भी फटा था और कुछ लोगों का जो है पैर में चोट लगी थी, कुछ लोग बहुत घायल हुए थे, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। आ चुके हैं अस्पताल में और यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि उनकी जो है हालत कैसा है और वो अभी कहाँ है। सर, अभी जो मेला में जो दुर्घटना हुआ था वहाँ से कितने लोग जो है अस्पताल में लाया गया था? 7 आदमी। 7 आदमी आए जी। ये 7 आदमी जो आए हुए थे उनमें सीरियस कितने आदमी थे? एक आदमी सीरियस नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा ब्लीडिंग उसके नाक के थ्रू हो रहा था, तो जी, हम लोग जी। उसको जो है कि डॉक्टर साहब हरिशंकर चौधरी जो हमारे यहाँ कहती हैं जी जी पदाधिकारी, उन्होंने जो है कि ट्रीटमेंट करके उनको रेफर कर दिया गया हरि सेंटर जी। हाँ। और अब बाकी लोगों का क्या स्थिति है अभी? बाकी लोग स्थिति एकदम ठीक है, सही है। ट्रीटमेंट करने बाद लोगों को हम लोग जो कि महिला थी रुखसाना खातून जी, उनका हल्का सा चोट था सर पर, उनको हम लोग सब करू करके बैंडेज करके उनको बैठाए, रिलैक्स हो गई, तब उन लोग को हम जी जी। ये जो लोग आए हुए थे जिनको चोट लगा हुआ था, सब एक ही परिवार से थे या अलग अलग जगह के थे? एक तो 5 परिवार के थे, एक ही फैमिली में से। एक ही फैमिली में 5 लोग? अब देख लीजिए दर्शकों, एक ही फैमिली के 5 लोग जो है झूले में बैठे हुए थे, उनके माँ का ही चोट था जी, बाकी लोग बिल्कुल ठीक थे। बाकी लोग ठीक थे? ठीक थे। और बच्चे कितने थे? बच्चे 2 था, छोटा छोटा, वो ठीक थे, वो भी ठीक था, उनको चोट नहीं लगा, वो झूला पर नहीं थे, वो नीचे थे जी। लगभग ये कितने बजे की घटना है, अस्पताल में कब तक लाया गया? ये अस्पताल में वही करीब 5:15 बजे आ गई थी। 5:15 बजे ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो वहाँ के चश्मदीद है, दुकानदार है, वो ये कह रहे हैं कि घटना के लगभग आधे से 1 घंटे बाद जो है प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया। नहीं, ये गलत बात है, नहीं, ये कितने तो कितने टाइम में आप एम्बुलेंस यहाँ से पहुँचे? यहाँ से एकदम मात्र एकदम जैसे हम लोग को सूचना मिली एम्बुलेंस से भेजे, मुझे 5 से 7 मिनट जी, चूंकि मेला के संडे लाइन कुछ भीड़ के कारण थोड़ी सी 10 मिनट लेट आई जी जी जी। हाँ। और यहाँ पे कब तक लाया गया अस्पताल में? यहाँ तो एकदम ठीक 5:15 में आ गई थी जी। 5:15 में आ गए थे, आ गए थे। और जो सबसे ज्यादा सीरियस थे उनका मतलब क्या स्थिति है, थोड़ा सा बता दीजिए? उनका स्थिति एकदम बिल्कुल ठीक है जी। जो उनका नाम अमन खान है, जो फातेपुर वैशाली के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत हुई, वो कहा कि नहीं, बिल्कुल अभी ठीक है, स्वस्थ है जी, वो अपने घर पर है। अब आप समझ सकते हैं लगभग 7 लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त में जो है उनको चोट लगा हुआ था, जिसमें एक अमन कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो ज्यादा सीरियस होने के कारण जो उनको दूसरे जगह भेज दिया गया। हाँ, रेफर किया गया। कहाँ पे रेफर? हायर सेंटर जी, हायर सेंटर में रेफर किया गया। कब उनको रेफर किया गया था? रेफर किया गया उनको 5:40 शाम में ही। शाम में मतलब वो आए और ट्रीटमेंट करने के बाद उनको रेफर ही कर दिया गया। क्या यहाँ पे उनकी बेहतर सुविधा यहाँ पे नहीं है कि उनको सुविधा किया गया? सुविधा से थोड़ा देखे कि हेड इंजुरी है जी, जी। तो सीटी स्कैन का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर साहब ने उन्हें सीटी स्कैन के लिए उनको रेफर। यहाँ पे सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है? यहाँ नहीं है। अब आप समझ सकते हैं सीटी स्कैन जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूं लगभग 7 लोग जो है जख्मी थे, जिसमें से एक व्यक्ति अमन सिंह नामक व्यक्ति जो है वो अमन खान जो है, मैं आपको बता दूं अमन खान नाम का जो व्यक्ति है वो ज़्यादा सीरियस है, उसको जो हायर अस्पताल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कुछ लोग जो है जिनको कम चोट लगी थी उनका ट्रीटमेंट करके जो है वापस घर भेज दिया गया। और आपको मैं बता दूं ये वही अस्पताल है जहाँ पे जो है लगभग 5 से 6 बजे करीब में जो है लगभग 7 लोग मेला से जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और 7 लोग जो है उनको यहाँ पे भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद जो है इलाज चलती है। इलाज चलने के बाद कुछ लोगों को जो है उनको भेज दिया जाता है घर और बाकी लोगों को जो है रेफर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही है, लोगों की भी लापरवाही है, मेला समिति की लापरवाही है, मेला प्रशासन की लापरवाही है कि वो जो है टावर जो झूला होता है उसको जो इजाज़त दे देते हैं बिना सेफ्टी बेल्ट चेक किए हुए, बिना सेफ्टी गार्ड चेक किए हुए, और ना ही कोई तहकीकात की जाती है, बस उनको परमिशन दे दिया जाता है।
और मेला के जो झूले वाले मालिक है वो भी अपने कल पुर्जे जो है पार्ट्स वगैरह का चेक नहीं करते हैं और 50 से 40 रुपए कमाने के चक्कर में जो है लोगों का जो है मौत का सौदा करते हैं और उनको घायल कर दिया जाता है। अगर प्रशासन के द्वारा अगर तहकीकात की जाती, अगर ये देखा जाता कि मेला में जो सुरक्षा सही है कि नहीं है, मेले में जो कल पुर्जे आ रहे हैं, जो मेला में झूले लग रहे हैं वो सही है नहीं है, अगर ये चेक होता तो दुर्घटना नहीं होता। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोनपुर मेला का जो हादसा है वो आप किस नज़रिए से, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि मेला में जो दुर्घटना हुई आप किस नज़रिए से देखते हैं, आरोपी कौन है और आरोपी किसे ठड़ाया जाएगा, क्या मेला प्रशासन जिम्मेदार है या मेला समिति जिम्मेदार है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो और हम इस घटना को इससे रिलेटेड लेके आ रहे हैं, आप उसे भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।